आपको एक बात बतानी थी, मैं डेली व्लॉग ना इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि गर्मी की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज अकेला ही परेशान हो रहा हूँ, उगेश भी अभी छुट्टी पे हैं और पारुल भी अभी अपना प्लांट पे हैं, तो आज अकेला मैं ये गाड़ी लेके और गाड़ी चला रहा हूँ और कैंपर भी उतार रहा हूँ। तो फिलहाल अभी त्रिगुणा पार्क पे किशु खड़ा है, उसके पास चलते हैं और उसको लटकाते गाड़ी के पीछे। बाकी पारुल भी प्लांट पे है, दो तीन दिनों से वो नहीं आ रहे, मैं ही गाड़ी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और आगे की सप्लाई देते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो किशु को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि मुकेश भी आए तो थे लेकिन उनके पेट मिला सडनली, पता नहीं एकदम से दर्द हो गया उनको ना, पथरी का दर्द है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो वो छुट्टी ले लेते हैं। तो आज भी काम कर रहे थे हम दोनों, दो गाड़ी हमने खाली कर दी, लेकिन पारू पता नहीं एकदम से, मुकेश भैया को एकदम से पेट में दर्द हो गया और वो घर चले गए। अच्छा है यार, बाकी और ज़्यादा हो जाता वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बाकी किशु भैया आ गए, अब काम की कोई दिक्कत नहीं है, अब हम दोनों अपना गाड़ी चला लूँगा और किशु भैया अपना कैमरा ले और पारू भी अपना प्लांट लगे। बाकी यहाँ से जल्दी चलते बना, पंकज भी आ जाएंगे, वो है ना मना करते हैं, कहते हैं अभी तेरी उम्र पूरी नहीं हुई और गाड़ी में चलाया कर, मेरे को ब्रेक भी नहीं लगते, लेकिन मैं चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपने देखा भी होगा एक दो व्लॉग में पहले भी मैं गाड़ी चला रहा था। बाकी अभी तो गर्मी है ना इसलिए रेगुलरली व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता। तो अभी प्लांट का सारा काम कम्प्लीट करके भी आया था घर पर, और आपको एक बात बतानी थी, मैं डेली व्लॉग ना इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि गर्मी की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड की थी थोड़ी सी, थोड़ा व्लॉग बनाया था और जो हमने जो खाना खाया ना, मैं उसकी क्लिप भी शूट नहीं कर पाया, इतना बिजी हो रहा है सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा पानी का थोड़ा यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आज थोड़ा टाइम था तो आज अब व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी आए थे घर पर और देखते हैं कि घर पर क्या कर रहे हैं सब। बाकी ये हमारे घर के बाहर ये मिट्टी पड़ी थी, अंकल जी उठा रहे हैं और घर आते ही मम्मी ने लंच दे दिया, लंच में मस्त रोटी और दाल रोटी है तो खा लेते हैं। और बाहर गेट है ना, हवा की वजह से कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर जा रहा है, हमें लगता है कि कोई आ गया, मैं बार बार उठ के देख रहा हूँ, हवा भी है परेशान करके। तो अभी मस्त हो के उठे हैं और देखो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, सूरज अभी सूर्यास्त होने का टाइम तो नहीं था लेकिन अभी सूरज देखो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, पूरा मतलब आसमान में धूल ही धूल नज़र आ रही है, शायद तूफान आने वाला बहुत तेज, अभी तो तूफान से पहले की शांति है। तो नहा लेते हैं एक बार, मैं अभी अभी उठा हूँ, मैं सोया था 2 बजे और अभी फ़िलहाल शाम के 5 बज चुके हैं, 3 घंटे की मस्त नींद लेने के बाद अभी उठे, तो एक बार नहा लेते हैं। मैं अपना मस्त बाहर बैठ के नहा रहा था और नहाते नहाते पता नहीं कहाँ से सडनली एकदम से ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं अपना मस्त जो हमारे घर पे पानी यूज़ करते उससे नहा रहा था और हमारे ऊपर भगवान ने जो बारिश का पानी होता है उससे नहला दिया, सही है, 2 तरह के पानी से नहा लिए। बाकी जो मैं नहा रहा था वो पानी गर्म था और ऊपर से जो पानी आया वो ठंडा था, तो सर्द गर्म होने की चांस है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही है तो बहम की बातें। बाकी बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आने का माहौल है, बिल्कुल ही शांत माहौल हो रहा है बाहर, वो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, वो माहौल है, बिल्कुल पूरा पीला पीला हो गया अब सब कुछ, शायद धूल भरा अब तूफान आएगा बहुत बहुत बड़ा वाला, तो मैं तो अंदर ही बैठा हूँ, बाद में उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा। तो मम्मी और छोटी बहन बाहर बैठे और पापा जी बाजार गए हुए हैं और मैं फिलहाल बाहर चलता हूँ, अंदर गर्मी हो रही है तो चलते हैं बाहर और वो अपना मस्त बैठे हुए। और अभी आवाज़ देखो शायद बारिश आने से पहले जो गरजते हैं ना वो हो रहा है, थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। बाकी माहौल बहुत ज़्यादा, वहाँ से उस तरफ से धूल भरा तूफान आएगा। रात को आराम से सो सके इसलिए कूलर को पूरा पानी से भरती है, अभी ठंडी ठंडी हवा देगा देगा, तो आज बाहर तो सोएंगे नहीं क्योंकि आज बारिश हुई थी ना, क्या पता सोने के बाद भी बारिश हो जाए, उसके बाद सभी परेशान होंगे, उठ के अंदर आना पड़ेगा और ऐसा काम करना ही क्यों, अंदर ही सो जाएंगे, बस कूलर पानी से भरती है और ठंडी ठंडी हवा देगा। तो फिलहाल अभी इसको कर देते बंद और इसका जो वो ये पानी वाली मोटर इसको कर देते हैं ताकि पानी सारे कूलर में हो जाए और ठंडी हवा निकले, ये तैयार हो जाए, चलाएंगे इसको थोड़ी देर बाद, अभी तो बाहर बैठे हैं, बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल के उसके बाद जब सोना होगा तब अंदर आके सो जाएंगे। तो हमने सब ने डिनर कर लिया और पापा जी तो अपने फ्रेंड के
अब पता नहीं उनके बेटे की, अब बेटी की शादी थी तो उनकी शादी में गए थे, तो वहाँ से खाना खा लिया तो और हमने भी में कर लिया, तो अभी फिलहाल सो जाते हैं। तो आज का लोग ये बैठ करते हैं, तो आपको मैंने आज बताया दिया क्योंकि जो मेरे रोज़ व्लॉग डेली व्लॉग अपलोड नहीं हो पाते, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जब तक कि काम थोड़ा बंदा नहीं हो जाता और हमें थोड़ा टाइम नहीं लगता तब तक, तो आपको एक दिन छोड़ के या दो तीन दिन छोड़ के व्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी जब भी मुझे टाइम लगे मैं व्लॉग तो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक दिन भी व्लॉग अपलोड ना हो उस दिन मुझे भी टेंशन होती है कि आज मेरा व्लॉग नहीं अपलोड हुआ। तो कोई नहीं, हम इस गैप को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।